टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स। वीक एसिड है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड, एक चीज याद रखना, डिसोसिएशन में डाई नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड कौन सा, अभी जो मैंने लिखा था CH3COOH, मोनोबेसिक है। बट वही मैं अगर आपको बोलती हूँ H2CO3, H2CO3 किस टाइप का एसिड है, डाई है, राइट। तो वहां पे 2 × that moles आएंगे, ठीक है। तो मोल वैलेंस स्टोइकोमेट्री बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टोइकोमेट्री। ओके, सो वी विल स्टार्ट बफर सोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली द बफर सोल्यूशन इज, अभी हमने जो पढ़ा है ना उसी को पढ़ना है बेसिकली। हमने जो टाइप्स पढ़े हैं उसी के ऊपर बफर सोल्यूशन डिपेंड कर। सो गाइस, दिस बफर सोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन, दिस बफर सोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन मेडिकल। सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ पे है, मेडिकल में, ठीक है। सो देखो क्या होता है एग्जैक्टली बफर सोल्यूशन। सबसे पहली बात, बफर सॉल्यूशन में, छोड़ो बफर सॉल्यूशन छोड़ दो, किसी भी सॉल्यूशन में कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है सॉल्वेंट, सही है। एक क्या होता है, सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होता है, सॉल्ट, दैट इज व्हाट, सॉल्यूट, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट हियर, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, सॉल्ट पार्ट होता है। नाउ द पॉइंट इज, इस सॉल्वेंट में हम लोग एज सच पानी यूज नहीं करते, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट में हम लोग को यूज क्या करना है, बेसिकली वीक एसिड यूज करना है या फिर वीक बेस यूज करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे वीक एसिड यूज करते हो तो उसी का आपको क्या लेना है, सॉल्ट लेना है, ठीक है। बट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लेना है आपको, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये फिक्स है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ वीक एसिड का, इफ आई एम कंसिडरिंग CH3COOH, एक चीज तो फिक्स है, इस सोल्यूट पार्ट में क्या होगा, कौन सा सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ दिस इज ओनली इसी एसिड का सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, दैट इज नथिंग बट सॉल्वेंट वाला है, दूसरा नहीं लेना आपको, नहीं तो यहाँ पे H2S लोगे, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे HF लोगे, पॉसिबल नहीं है। तो जो सॉल्ट लोगे उसका जो एसिडिक पार्ट है वो कौन सा होगा, यही वीक एसिड होगा जो आपने सॉल्वेंट में लिया है, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या लेना है उसके साथ, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में आपके पास एग्जाम्पल फिक्स है क्या, टेल मी, स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जाम्पल फिक्स है कौन से है, NaOH एंड KOH, इसके अलावा तो है नहीं कुछ, हम लेते ही नहीं है, ये दो ही एग्जाम्पल्स है स्ट्रॉन्ग बेस में। तो कौन सा सॉल्ट आएगा यहाँ पे, इसके कॉम्बिनेशन में क्या ले सकते हो आप, CH3COONa, या फिर क्या ले सकते हो, CH3COOK, कॉम्बिनेशन समझ में आया बफर सॉल्यूशन में, ठीक है। इफ आई एम टेकिंग हियर अनदर एग्जांपल, दैट इज H2S, ठीक है, H2S, तीसरा ले लो HF, और कौन सा है वीक एसिड जो आपको पूछते हैं सब लेंगे, ठीक है, HCOOH, H2S है, राइट। कौन सा लोगे अभी इसके साथ, बनाओ सॉल्ट, बनाओ H2S का, H2S का सॉल्ट बनाओ, क्या आएगा, Na2S, समझ में आया। इसकी जगह कौन लेता है, ये एसिडिक पार्ट है ना, इसकी जगह कौन लेता है, कैटायन लेता है, तो क्या आएगा, Na2S या फिर K2S, HF के केस में NaF,
क्या लोगे? एन एफ, और दूसरा के एस। इसके केस में वही आएगा, कोई फर्क ही नहीं, एच सी ओ एन ए, देन एच सी ओ के। ठीक है, मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ, इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं वहां पर। ऑल एग्जाम्पल्स आर रिलेटेड टू विद दिस। पूरे नीट के क्वेश्चंस देखो आप, जेई के क्वेश्चंस भी देखना, यही वीक एसिड और उसी का सॉल्यूट पार्ट लेते। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन से फॉर दिस, ये एक टाइप हो गया वीक एसिड एंड वीक बेस का। हम उसके बाद हमें वीक बेस का भी लेना है। सो बेसिकली बफर सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? इफ आई एम कंसिडरिंग हियर एसिडिक बफर, इफ आई एम कंसिडरिंग हियर एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड है ना। सो लिखने का तरीका देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज डिसॉल्व्ड इन इट्स ओन एसिड। ऐसा कॉम्बिनेशन बफर सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं। दिस सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन, दिस इज व्हाट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज डिसॉल्व्ड इन इट्स वीक एसिड। ये कॉम्बिनेशन है पूरा, ऐसा लिखते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दिस दिस सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन एसिड, दिस सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन एसिड। ठीक है, नाउ दूसरी बात आपको और एक पता होनी चाहिए, हु इज नॉट हैविंग टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो बफर सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन अगर आपने गलती से पानी में डाल दिया तो किसकी टेंडेंसी पानी के साथ रिएक्ट करने की नहीं है, एक ही पार्ट आएगा यहाँ पे सिर्फ, दिस विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज इट इज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस। ये टाइप हो गया एसिडिक का। उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगी कि एग्जैक्टली बफर सॉल्यूशन है क्या। ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड टाइप, दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हो। डायग्रामेटिकली क्या आएगा, आपके पास आपको एक सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, उस सॉल्यूशन में आप क्या लोगे, वीक एसिड, और उसमें कौन सा सॉल्ट ऐड करोगे, सॉल्ट ऑफ डब्ल्यू ए एंड एस बी। ठीक है, जो भी डब्ल्यू ए एस बी है, ये जो है डू नॉट हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वॉटर। ठीक है, हो गया। अभी इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है, इसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, आपने पहले इसको ऑलरेडी पढ़ा है, व्हाट एग्जैक्टली द बफर सॉल्यूशन इज, व्हेन एवर यू आर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस टू द सॉल्यूशन, इट्स पीएच इज रेस्ट्रिक्टिंग द ड्रास्टिक चेंज, है ना। जो सॉल्यूशन है वो क्या रेस्ट्रिक्ट करता है, चेंज इन पीएच को रेस्ट्रिक्ट करता है। फिर अगर आप उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड भी ऐड करो, उसका पीएच चेंज नहीं होगा। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस भी ऐड करते, फिर भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा। सो वेदर यू आर एडिंग हियर, अभी ऐसा तो नहीं होगा कि आपने यहाँ पे वीक एसिडिक बफर लिया है, बेसिकली एसिडिक बफर लिया है, तो आप इसमें CaCCOH डालोगे। इस बात को भी समझो कि एग्जैक्टली हम जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस की बात कर रहे हैं ना, कौन सा एसिड ऐड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक तो नहीं करेंगे ना, ऑलरेडी है उसमें, बफर सॉल्यूशन ही बना रहे हो। समझ में आया? सेम एज दूसरा आप ऐड क्या कर सकते हो, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो हियर वी हैव द फॉर्मूला डायरेक्टली कि पीएच का एग्जैक्टली फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड है। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस
लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यू आर एडिंग, मतलब यही सी एच थ्री सी ओ एन ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. बेसिकली दिस इज नथिंग बट द लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्यूट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. अगर मुझे पूछोगे तो दिस इज नथिंग बट द लॉग ऑफ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्यूट अपॉन सॉल्वेंट. ठीक है, इसमें से एवरी वन इज अवेयर ऑफ दिस वैल्यू. वट इज पी एच? पी एच क्या होता है? हाउ यू विल कैलकुलेट द पी एच? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस. हो सकता है कि एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे. वट अबाउट पी के वैल्यू? ये भी वही आएगा, माइनस लॉग ऑफ के वैल्यू. ठीक है, एंड वाई वी आर टेकिंग के? हियर के क्यू ले रहे? बिकॉज दिस इज अवर एसिडिक बफर. वॉट विल बी द पी एच ऑफ एसिडिक बफर गाइज? पी एच विल बी लेस दैन 7. हो सकता है कि आपको पी एच ऑफ सोल्यूशन दे. मैं आस्क यू, ये किस टाइप का बफर सोल्यूशन है? समझ में आई बात? अगर कोई सोल्यूशन है उसका पी एच उन्होंने दिया है 5, वॉट टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन इट इज? एसिडिक बफर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द सेकेंड टाइप. आप एग्जाम्पल बताओगे मुझे? हो गया, डन विद दिस. नाउ वी हैव द अनदर टाइप. ठीक है, दूसरा टाइप क्या है हमारे पास? दूसरा टाइप क्या है हमारे पास, बोलो? व्हाट इज द सेकेंड टाइप? क्या रहेगा? बेसिक बफर. ऑब्वियस बेसिक बफर है, मतलब आप सॉल्वेंट क्या लोगे? व्हाट सॉल्वेंट यू विल टेक हियर? सॉल्वेंट आई एम आस्किंग, क्या सॉल्वेंट लोगे यहाँ पे? वीक बेस. कौन सा है एग्जांपल हमारे पास? NH4 OH का. ठीक है, सो सॉल्वेंट विल बी योर वीक बेस. सोल्यूट क्या लोगे आप? सोल्यूट क्या लोगे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सो आई शुड राइट सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. समझ में आई बात? सो शैल वी टेक द एग्जांपल नाउ? मुझे बताओ सॉल्वेंट में कौन सी सॉल्वेंट लोगे आप? बोलो सॉल्वेंट कौन सा लोगे? सबसे पहला एग्जांपल कौन सा हमारे पास? NH4 OH. दूसरा एग्जांपल कौन सा हमारे पास? CuOH होल ट्वाइस. पहले NH4 OH का खत्म करते हैं. व्हाट सॉल्यूट यू विल टेक हियर? क्या लोगे यहाँ पे? NH4Cl. फटाक से क्लिक होना चाहिए. NH4 तो आया, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहेगा? Cl. और क्या क्या ले सकते हो इसके साथ साथ? और कौन सा ले सकते हो? NH4 होल ट्वाइस SO4. इसका नाम क्या है? अमोनियम सल्फेट. अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट. ठीक है, देन गो फॉर द सेकेंड. CuOH होल ट्वाइस क्या लोगे? क्या लोगे? CuCl2. यहाँ पे होल ट्वाइस है, मतलब कॉपर का कौन सा वैलेंस यूज किया है? 2. ठीक है, 1-1 वाला नहीं. दूसरा क्या आएगा? CuSO4. व्हाट अबाउट थर्ड वन? यहाँ पे और भी ले सकते हो ना, यहाँ पे और भी ले सकते हो. NH4NO3. सो बेसिकली ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट है ना, इसमें आपको याद क्या रखना है? क्या याद रखोगे आप? सनम प्यार ना करो. उसमें से हुई स्ट्रॉन्ग सल्फेट इज स्ट्रॉन्ग, नाइट्रेट इज स्ट्रॉन्ग. इन दोनों को याद नहीं रखना है. अच्छी बात भी है, याद नहीं रखना है.
ना, दैट मच स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो नहीं है, ठीक है। और कौन सा आएगा यहाँ पे? कॉपर, नाइट्रेट, CuNO3, वोल्ट वाइज। अभी इतना बताने के बाद जो जो बच्चे इस डायलमा में है कि NO3 वोल्ट वाइज कब लेना है, CuCl2 कब लेना है, देन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये चीज आप याद रखना, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल है। देन और बताओ, AlOH होल थ्राइस, ठीक है, क्या आएगा? AlCl3, देन Al2SO4 होल थ्राइस, देन AlNO3 होल थ्राइस। और कोई एग्जाम्पल बचा? बस सफिशियंट है, ठीक है, बेस वाले, वीक बेस वाले। वी हैव वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज BaOH वोल्ट वाइज। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी पूछते हैं, तो दिस इज BaCl2, देन BaSO4, देन BaNO3 होल्ड वाइज। इसके बाहर एग्जाम्पल आना बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है, क्योंकि है ही नहीं इसके अलावा प्रोपर सॉल्यूशन। समझ में आई बात? नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी बफर सॉल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? क्या किया है आपने यहाँ पे? NH4Cl को किसमें डिसॉल्व किया है? NH4OH में, ठीक है। दिस इज द वीक बेस पार्ट, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट, और ये तो ऑलरेडी क्या है? वीक बेस। कर लोगे? ये मैंने ये लिखा है, यू कैन रिमेम्बर दिस पिंड ऑल्सो, ठीक है। बीच में क्या है अपना? स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों साइड में क्या है अपना? वीक बेस। नाउ कमिंग टू दी फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? pH इज इक्वल टू क्या आएगा? बेसिक है तो pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। रिमेम्बर जो बेस बनाया जाता है ना, जो ये बफर सॉल्यूशन, ये CuOH सॉल्ट वाइज NH4OH का, ये दोनों सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आते हैं, ये बेसिकली PPT बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल सभी ले लो, लिख लो, बट याद रखने में चाहिए। दूसरी बात, ये जो दो इक्वेशंस हमने लिखे थे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस एंड सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। सो बेसिकली दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज एसएल बैच इक्वेशन। ये सिर्फ एक सेंटेंस है, ठीक है। सो राइट डाउन, इट इज हैंडरसन, इट इज राइट डाउन pH इक्वेशंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर। एक क्वेश्चन रहेगा इसमें, इज हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। ये सीटी का थियोरी क्वेश्चन, क्या बोलोगे इसको? हैंडरसन हसल बैच इक्वेशन। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के एडवांस लेक्चर में हो जाएंगे। अभी तक इक्विलिब्रियम हुआ नहीं है, ठीक है, आई ने, और एटलीस्ट नॉट फॉर नीट एंड जेई पास, बहुत ज्यादा है इसमें।
ठीक है, हो गया। नाउ शैल वी गो फॉर द बफर एक्शन, कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, हाउ वी आर गोइंग टू, यू नो हाउ वी आर गोइंग टू कीप द पीएच कांस्टेंट इफ यू आर एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट। ठीक है, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, सो एग्जैक्टली बफर एक्शन कैसा होगा इसमें। सो सी व्हाट वी हैव हियर, हमारे पास क्या है, टेक द एग्जांपल, हमारे पास क्या है, वी हैव CH3COONa विच इज डिजोल्व इन CH3COOH। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रिएक्शंस, दोनों के डिसोसिएशन होंगे, ऑब्वियस बात है, सोल्यूशन फॉर्म में है तो डिसोसिए आयनिक फॉर्म में रहेगा ये। इसमें से दिस इज हैविंग वन स्ट्रॉन्ग पार्ट, मतलब ये क्या रहेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट। ओके, सो पहला यहाँ पे CH3COONa विल डिसोसिएट कंप्लीटली एज CH3COO- प्लस Na प्लस। क्लियर, राइट डाउन दी सेकेंड, ये तो कर चुके हो बहुत बार, क्या बनाओगे यहाँ पे, CH3COOH विल गिव यू CH3COO- प्लस ठीक है। टेल मी इन बोथ द डिसोसिएशन व्हाट इज द कॉमन आयन, कॉमन आयन कौन सा है, CH3COO-। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन, आई गेस दिस पार्ट इज कवर्ड इन व्हाट एग्जैक्टली द कॉमन आयन इफेक्ट, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आई बात, ये भी इस रिएक्शन में भी क्या है, CH3CO- है, इस रिएक्शन में भी क्या है, CH3CO- है। नाउ द पॉइंट इज दोनों में हमने डिसोसिएशन किया, राइट, यू आर अवेयर ऑफ कि यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, यहाँ पे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। इस रिएक्शन में रिमेम्बर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इज ग्रेटर देन CH3COO-। कौन से आयंस कम रहते, डिसोसिएटेड आयंस कम रहते, एंड दैट इज द रीजन अल्फा इज लेस देन वन आएगा, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स, यहाँ पे डिसोसिएटेड मोल्स बहुत कम होंगे कंपेयर टू CH3COOH टोटल मोल्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपका अल्फा क्या रहेगा, बहुत कम। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO- विल बी इन लार्ज। और अगर दोनों को मिला के बोलोगे तो यहाँ पे भी CH3CO- है, यहाँ पे भी CH3CO- है, ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO- विल बी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, क्योंकि दोनों जगह पे कौन सा आयन फॉर्म हो रहा है, CH3COO-। ठीक, नाउ व्हाट वी विल डू, अभी हमें करना क्या है, चलो क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट केस में एड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज HCl, एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड दैट इज HCl। क्या होगा इसमें बोलो, HCl ऐड करोगे तो क्या होगा, हु विल कंज्यूम दी HCl, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कौन HCl को कंज्यूम करेगा, CH3COO-। समझ में आई बात, HCl को कौन कंज्यूम करेगा, राइट। आप अभी पूछोगे ना, किसको पूछोगे, वी हैव दिस, हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, बेसिकली ये पूरा सोल्यूशन ऐसा ही है, ये है आपके पास, वो है, और CH3COOH है। इस बफर सोल्यूशन में अगर मुझे पूछोगे तो इस बफर सोल्यूशन में हमारे पास, गाइस वी हैव, इस सोल्यूशन में हमारे पास है CH3COONa, सॉरी हाँ CH3COO-
PH3COO-, ठीक है, इसके पास है Na+, इसके पास है CH3COOH, और क्या बचा है इसके पास, दूसरा क्या है इसके पास, H+। सो रिमेम्बर अनडिसोसिएटेड CH3COH इज इन लार्ज क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो अनडिसोसिएटेड CH3COH इज इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, वे बात करते हैं, आप जैसे ही इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालोगे तो आपको ढूंढना है इसको, इनको ही पूछोगे भाई एसिड को कौन कंज्यूम करेगा, एसिड को कौन कंज्यूम करेगा बताओ। एसिड का ऐड होना मतलब एच प्लस का ऐड होना, ये क्या है, न्यूट्रल है, ऑब्वियस नॉट, एच प्लस है पॉजिटिव, एनए प्लस पॉजिटिव, समझ में आई बात। सो विल कंज्यूम द एसिडिक पार्ट CH3CO-, इसमें से जो कॉमन आयन है, राइट। सो हियर CH3CO-, विल कंज्यूम एच प्लस फ्रॉम दी एसिड। क्या होगा रिएक्शन हमारा, CH3CO-, प्लस एच प्लस क्या देगा आपको, CH3COOH, समझ में आई बात। तो वैसे ही इसका पीएच क्या कर लेगा, वो न्यूट्रल कर लेगा, मतलब न्यूट्रल नहीं कांस्टेंट कर लेगा। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट में क्या ऐड करोगे आप बताओ, नेक्स्ट में क्या ऐड करोगे, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस लेना चाहोगे यहाँ पे, इफ आई एम कंसिडरिंग NaOH, जस्ट डू एड दी NaOH, ऑब्वियस बेस एड कर रहे हो, मतलब क्या एड होगा उसमें, OH-, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दी OH। वेन एवर एनी वन इज सेइंग अबाउट दी एसिड तो सिर्फ एच प्लस के बारे में सोचना होता है, नॉट अबाउट दी अदर आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बेस एड करोगे तो ये बेस एड होने के बाद इसका पीएच कैसे कॉन्स्टेंट रहेगा, बेस पूरा बेस ऐड कर रहे हो राइट, क्या होगा फिर यहाँ पे, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे, CH3COH इज हैविंग द मोर कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही आप बेस ऐड करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, बेस ऐड करोगे, तो इसको न्यूट्रल करने की कोशिश कौन करेगा, CH3COH विल कंज्यूम दिस OH-, एंड दिस विल गिव यू व्हाट, क्या देगा ये बताओ, क्या देगा ये बताओ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस, H3O+, राइट। क्या देगा, यहाँ पे देखना है इसके पास ये पॉजिटिव पार्ट है, दिस इज नेगेटिव, तो इन दोनों का क्या होगा, सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, CH3COO- प्लस H3O+। सो ले देके हो क्या रहा है, उस बफर सॉल्यूशन में जो आयन है ना वही प्रोड्यूस हो रहे बार बार। कितने एसिड डाला, एसिड बन रहा, सॉरी आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, वही वीक एसिड बन रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा। आपने यहाँ पे वीक बेस ऐड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया, क्या बन रहा है यहाँ पे, CH3CO-, आपके आयन में क्या है, CH3CO-। ठीक है, सो देर इज फॉर्मेशन ऑफ वॉट, H3O+, सॉरी H2O, सॉरी दिस इज वॉट एडिशन ऑफ वॉट, फॉर्मेशन ऑफ वॉट, H2O। सभी तो हो सकता है कि किसी का दिमाग खराब हो गया और उसने पानी ऐड किया, ऐसा कोई हो सकता है ना जिसको क्या लगे, एच प्लस भी ऐड करो और OH-, तो ऐसा चीप सोर्स कौन सा है, वाटर है। व्हाट विल हैपन इफ यू आर एडिंग अ वाटर बोलो, वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा बोलो, एडिशन ऑफ वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर, 7 न्यूट्रल, तो उसका कोई इफेक्ट इस बफर सॉल्यूशन पे नहीं होगा, सो एडिशन ऑफ वाटर विल नॉट इफेक्ट दिस पीएच।
और इसीलिए पानी के साथ आप टैबलेट्स खा सकते हो। तुम लोगों ने सुना है क्या कि मिल्क के साथ टैबलेट नहीं पी खाना होता है, जूस के साथ टैबलेट नहीं खाना होता है? सुना है सब लोगों ने? किसी ने नहीं सुना है क्या? हाँ, पैसा आने के बाद पानी की जगह पे जूस जूस के साथ टैबलेट मत लेना, ठीक है? पगला गए ऐसा हो जाएगा वो, ठीक है? जस्ट रीड द एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस रीड। अल्कोहल सोबर? अच्छा अल्कोहल के बाद में बात करेंगे, अल्कोहल इज स्लाइटली यहाँ से, उसका रीजन अलग है, बट ले सकते हो, क्या फर्क पड़े मुझे क्या? सादा कम में जाओगे देखो कर सकते हम्म, साइनाइड चाहिए तो बोलो। हम्म, सो गो फॉर नेक्स्ट वन। सो बफर एक्शन समझ में आया क्या? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इट इज कॉल्ड एज अ बफर एक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या बताओगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन में क्या है प्रॉपर्टीज? इफ वी आर एडिंग व्हाट? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, नो चेंज इन पीएच, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन आल्सो। नहीं, अच्छा हो जाता है। देयर इज नो चेंज इन पीएच, समझ में आया? अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में पूछू, वेन एवर यू आर यू नो, जब भी आप मेडिसिन लेते हो, है ना, मेडिसिन लेते तो ऑब्वियस उनका कुछ ना कुछ तो पीएच अलग अलग रहेगा, तो आपके बॉडी में उसका इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? होना तो चाहिए, अगर एसिडिक टैबलेट लिया तो आपके बॉडी में इफेक्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में जहां से टैबलेट्स टिश्यूज को जितने भी पार्ट से वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज व्हाट ब्लड, ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन। फिर भी डॉक्टर्स टैबलेट देते हैं एसिडिटी, व्हाई क्यों देते हैं? पैसा, यू आस्क मी, पैसा है वो, पैसा कमाने के लिए और कुछ भी नहीं। इसके पहले आई थिंक बिफोर, जस्ट बिफोर 5 ईयर्स, आपको आप उतना गए नहीं होंगे डॉक्टर के पास, बट जाना पड़ेगा बाद में, अभी नहीं। 5 ईयर्स के पहले ना ये नहीं था कि आपको एसिडिटी है क्या, अभी क्यों, क्या ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझो। लोग अभी बड़ा पाव खाने के बाद भी टैबलेट ले लेते, आइडियली होना क्या चाहिए? उन लोगों ने खुद को भी देखना, कभी डॉक्टर के पास गए तो बड़ा पाव समोसा खा के हो, बीमार पड़ने के बाद बाहर का खाना खाने का ज्यादा मन करता है कि बेटा बीमार है, ठीक है? तो ये जो बाहर का खाते हो ना, इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है, दैट इज द रीजन दे आर जस्ट सॉल्वेट थोड़ा तरी समथिंग, ठीक है? सो बेसिकली अपने बॉडी में तो सबसे अच्छा बफर एक्शन है, ठीक है? दूसरा, जितने भी मेडिसिन है, ठीक है, जितने भी मेडिसिन है, दे आर ऑल्सो हैविंग द बफर एक्शन। कौन से मेडिसिन पता है जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं? तो बेसिकली ये जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, दैट नथिंग बट अ सॉल्ट पार्टी होता है, वो बहुत सारे सॉल्ट्स का पाउडर होता है, बट अगर लिक्विड की बात करोगे तो वो बेसिकली क्या रहेंगे? बफर सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है? सो जितने भी, दूसरी बात, अपना सॉइल पता है ना, आप पीएच ऑफ दी वाटर इज चेंजिंग, रेन वाटर का जो पीएच है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, फिर भी फसल तो आती ही है, सो इज एडजस्टिंग पीएच सॉइल। तो सॉइल का पीएच चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। धीरे धीरे ऑब्वियस चीज है, अगर वहां पे तो बोला है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड अगर ऐड हुआ तो पीएच चेंज नहीं होगा, पर अगर बहुत ज्यादा एसिड अपने डाल दिया तो क्या हो जाएगा उसका पीएच? वो पीएच चेंज हो जाएगा।
ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है इसमें, कई इतने एग्जांपल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कॉस्मेटिक, हाँ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पीएच। हाँ अभी तो स्किन का भी पीएच के हिसाब से कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, एंड फॉर बॉयज ऑल्सो, हाँ ऑल कोरियंस, जितने भी कोरियंस बॉयज है मेकअप बहुत अच्छे से करते हैं, इंडियन छोड़ के आए गए सब लोग मेकअप करते हैं, इंडियन मेकअप नहीं करते वो, बाकी हर जगह पे मेकअप होता है। ठीक है, सो कौन कौन सी इंडस्ट्री है, सबसे पहले मेडिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, देन अपना बॉडी, सबसे इम्पोर्टेंट अपना बॉडी, एंड देन कॉस्मेटिक्स। क्लियर? नाउ वी विल गो फॉर दी अनदर पार्ट, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन दिस, तो इसके पीछे के क्वेश्चंस है ही नहीं आपको शायद। तो इसके जो क्वेश्चंस एक बार रीड कर लेना, बहुत सिंपल है, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे अगर आते हैं तो करेंगे, नहीं तो नहीं। एसिडिक बफर के, सो जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन, कैलकुलेट 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 द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ, 0.5 मोल ऑफ, 0.5 मोल ऑफ NaF, 0.5 मोल ऑफ NaF एंड 0.2 मोल ऑफ एंड 0.2 मोल ऑफ HF, 0.2 मोल ऑफ HF पर लीटर, पर लीटर K इज इक्वल टू, K इज इक्वल टू 7.2, K इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10^-4, 7.2 इंटू 10^-4 HF। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन थिंग्स, क्या क्या दिया है उन्हें, किसका किसका दिया है बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaF कितना है 0.5 पर लीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है पर लीटर, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF कितना है 0.2 मोल पर लीटर, व्हाट इज द के 7.2 इंटू 10^-4, समझ में आया, व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है अपना, पीएच इज इक्वल टू हाउ मच, पी के प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो व्हाट इज पी के ए, यहीं पे पहले कन्वर्जन करो राइट, बाद में आप वैल्यूज डाल देना सीधा, माइनस लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है ना, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये पहले ही कर लो, बाद में मत करना, जरूरत नहीं है। हाँ अगर रेशियो में कुछ हो रहा है कैंसिल आउट तो कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज माइनस लॉग ऑफ के, कितना है ये 7.2 इंटू 10^-, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट इज 0.5, माइनस लॉग ऑफ कितना है 0. इसका आंसर क्या आएगा, है ना, कितना आएगा 4 माइनस एक्स, ये क्या आपका एक्स है ना, 4 माइनस लॉग ऑफ 7.2 प्लस
लॉग ऑफ 0.5 फाइव बाई टेन माइनस लॉग ऑफ 2/10 करो इसको। लॉग ऑफ 7.2 क्या लोगे यहाँ पे? 4 माइनस लॉग ऑफ 72/10 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 10 दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। 72 इज 72 माइनस लॉग ऑफ 10 प्लस लॉग 5 कितना होता है? बोलो रे। हाउ यू विल कैलकुलेट 72 लॉग ऑफ 72? हाँ लॉग 9 into 8 लॉग 5 का वैल्यू 0.698 ना। सो 0.698 माइनस 0.301 कितना आया? ये 3 माइनस कितना आएगा? लॉग ऑफ 9 लॉग ऑफ 8 इसका आंसर कितना है बताओ? लॉग 9 इज 2 लॉग 3 माइनस दिस इज 3 लॉग 2। चलो निकालो आंसर। 3 माइनस 2 इंटू 0.477 माइनस 3 इंटू 0.301 प्लस 698 माइनस 0.301 3 यू कैन डू द एडिशन ऑफ दिस। इसको और उसका एडिशन कर सकते हो। निकालो आंसर। फेसबुक के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है? क्योंकि वहां पे छोटी जगह इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली वैल्यूज लिए हैं। ठीक है अलर है? हाँ कर सकते हैं। कितना आया पीएच? 1.3260। गलत रहा तो बहुत मारूंगी मैं इसको।
वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव फोर इज द परफेक्ट आंसर. ठीक है चलो चलो दूसरा आंसर. दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है ये प्रॉब्लम है कि आपको मजा नहीं आता कैलकुलेशंस करने. ठीक वैसे वैसा फंडा लाता है. ओके सो राइट डाउन द सेकेंड पार्ट सेलेबिलिटी प्रोडक्ट एप्लीकेशंस सेलेबिलिटी प्रोडक्ट. सो एप्लीकेशंस में जस्ट लिखो एप्लीकेशंस में लिखो बायोकेमिकल सिस्टम एंड उसमें ब्लड इज बफर सॉल्यूशन एंड हैविंग द पीएच 7.4. सेकेंड एग्रीकल्चर थर्ड मेडिसिन कॉस्मेटिक फिफ्थ इज एनालिटिकल केमिस्ट्री सिक्स ये कुछ एप्लीकेशंस है. तो बेसिकली यहाँ पे लिखना पीपीटी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 3A रिक्वायर्स पीएच 8 to 10. जस्ट आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. थर्ड ए इज योर टास्क का कौन सा ग्रुप है थर्ड ए. पीरियोडिक टेबल. हाँ आज के पढ़ला है घर तो पटला ग्रुप थर्ड है कौन सा है बताओगे. ठीक है तो राइट डाउन नाउ सेलेबिलिटी प्रोडक्ट जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा. दिस इज द लास्ट पार्ट. क्या करते थे लोग टाइम पास. यहां से फोन कार्टून गया भाई दे हो गया. ओके सो गो फॉर नेक्स्ट वन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज फॉर दिस स्पायरिंगली सोल्युबल है ना. जो भी सोल्यूट आप ऐड करोगे वो कैसे होंगे स्पायरिंगली सोल्युबल इन वाटर. सो राइट डाउन सम सॉल्ट्स आर स्पायरिंगली सोल्युबल इन वाटर. सम सॉल्ट्स आर स्पायरिंगली सोल्युबल इन वाटर. Some salts are sparingly soluble in water. Which means that the partial part is, which means that a small amount of moles of it, which means that a small amount of moles of it dissolve in water.
पार्शियली नहीं है, विच मीन्स दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ इट डिजॉल्व्स इन वाटर, डिजॉल्व्स इन वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ इट डिजॉल्व्स इन वाटर एंड एंड द अदर पार्ट रिमेन्स एज इट इज, एंड द अदर पार्ट रिमेन्स एज इट इज. For example, AgCl is a strong electrolyte. For example, AgCl is a strong electrolyte, but it does not dissociate completely in water. But it does not dissociate completely in water. Some solid of AgCl remains undissolved. Some sort of AgCl remains undissolved. ठीक है. So basically ये किस type का reaction होता है? This is the रिवर्सिबल रिएक्शन. सही बात समझ में. अभी एक चीज और आपको बता दो, कौन से मिक्सचर्स होते हैं जो स्पैरिंगली सोल्युबल होंगे. सो इसका पार्ट आपने किया था सॉलिड स्टेट में. एवरीवन इज अवेयर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स. सो बेसिकली जितने भी एमोर्फस सॉलिड्स है वो पानी में डिजॉल्व कंप्लीटली नहीं होते. ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डिजॉल्विंग इन वॉटर. ठीक है, याद रखोगे इसको. Now we have the example here of AgCl. हमने एक चीज बोली थी कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होंगे, पानी में कंप्लीटली डिजोल्व होंगे. लाइक NaCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या होगा, पानी में डिजोल्व होगा. राइट. AgCl भी किस टाइप का है, दिस इज ऑल्सो, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फिर भी ये पानी में डिजोल्व नहीं होता. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन AgCl एंड NaCl? NaCl कैसा है, वॉट इज द नेचर ऑफ NaCl? दिस इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. वॉट अबाउट AgCl? AgCl इज इन एमोर्फस, और या फिर आप बोल सकते हो पाउडर. कैसा है ये, पाउडर. जितने भी सॉल्ट है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के, दे आर डिजोल्विंग इन वॉटर. जितने भी सॉल्ट है 11, 12 एंड 13 के, 11, 12 एंड 13 में कौन कौन आता है, कॉपर, Ag, Au. समझ में आई बात. उसके बाद जिंक, कैडमियम एंड Hg. इसके सॉल्ट पानी में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते. हाउ यू विल से ये कम्प्लीटली, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करते हैं बट फिर भी कम्प्लीटली डिजोल्व पानी में नहीं होते. समझ में आई बात. सेम एज फॉर एल्यूमिनियम. आप मैक्सिमम एग्जाम्पल्स वहां वहीं से देखोगे. नाउ वी हैव हियर, क्या होगा, इसको पानी में डिजोल्व करोगे क्या बनेगा, यहाँ से Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस. अभी जब भी आप इस टाइप के रिवर्सिबल रिएक्शन को देखोगे है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट योर रिवर्सिबल रिएक्शन. राइट डाउन द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, के इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट, AgCl. अभी आप जो AgCl डालते हो दैट इज व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू है ना. दूसरी बात, ये क्या है, आपका सॉलिड है. ठीक है, रिमेम्बर दिस पार्ट इज देयर इन वाटर आल्सो ना. आप इसको डायरेक्टली वन नहीं ले सकते, याद रखना. क्यों वन नहीं ले रहे हम, यहाँ पे डायरेक्टली वन नहीं ले सकते. दिस इज इन स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वॉटर. बन रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, ऐसा हो रहा है. तो यहाँ पे ना ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज कॉन्स्टेंट, सो वी कैन टेक दिस एज के डैश. सो वी हैव हियर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl विल गिव यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. सो दिस इज कॉल्ड एज के इंटू के डैश, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड एज Ksp, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी. इसको क्या बोलोगे आप? Ksp. सो गाइस, Ksp stands for dissociation constant for solubility product. Dissociation constant of solubility product. बेसिकली इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोला जाता है, Ksp इज नथिंग बट योर सोल्यूबिलिटी सो फाइंड द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ. तो याद रखना है वो क्या आपको निकालना है, Ksp निकालना है. यू टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर द स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. So we will take some examples. Now, Ksp के लिए dissociation आपको आना ही चाहिए, compulsory. So the first is barium sulfate. हो गया? एक चीज बताओ, हु गिव्स द पाउडर्ड पाउडर्ड मिक्सचर, कौन कौन दे सकता है? सिर्फ के क्या NaCl क्या देगा? NaCl पाउडर रख सकता है? अभिषेक आताच वाटतं ब्रेकअप झालाय तुझं, नवीन नवीन एकदम. सो लेट्स टेक द एक्झाम्पल. ठीक आहे, जितने भी मेटल्स आहे ना विच आर हॅव्हिंग द हायएस्ट मेटालिक कॅरेक्टर, व्हॉट इज हॅपनिंग टू द मेटालिक कॅरेक्टर एज यू आर गोइंग टू द डाऊन? क्या होता है, मेटालिक कॅरेक्टर इंक्रीजेस एज यू आर गोइंग डाऊन इन द ग्रुप. मेटालिक कॅरेक्टर इंक्रीजेस, और जितने भी नीचे जितने भी मेटल्स है ना, दे आर गिविंग दी पाउडर्ड सॉल्ट्स, जैसे कि बेरियम सल्फेट. ठीक है, जैसे कि बिस्मथ सल्फाइड, बिस्मथ नाइट्राइड, ये सब क्या है, पाउडर्ड सॉल्ट देते हैं. BaCl2 क्लोरीन वाले नहीं, हलाइड्स मोस्टली नहीं रहते पाउडर, दे आर क्रिस्टलाइन. हाँ, ये चीज याद रख सकते हो, जितने भी हलाइड्स के साथ बनाते हैं ना सॉल्ट, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर. ठीक है, जितने भी उसमें से फ्लोरीन छोड़ के जितने भी क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ सॉल्ट बनाते, दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म. ओके, सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स. तो आपको पहले डिसोसिएशन आना चाहिए उसका, Ksp फाइंड आउट करने के लिए. सो इफ वी हैव BaSO4, कैसे डिसोसिएट होगा ये?
डू डिसोसिएशन, करो सब लोग, मैं एग्जांपल देती हूँ, देन राइट डाउन द केएसपी। यहाँ पे केएसपी लिखना है। सेकंड इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट लो, डिसोसिएशन करो। जल्दी, बस लास्ट पार्ट बाकी है आयनिक प्रोडक्ट का। करना है डिसोसिएशन। हो गया भालो जो। L2 बंद तो कर रहे हैं। किसने किसने लिखा है L2 बंद रहा है? ऑल मेटल्स आर मोनो एटोमिक, याद रखना, बन ही नहीं सकते, और कोई भी आयंस डायटोमिक है ही नहीं। ऐसे सी ए मतलब होते हैं, बट सिंगल अगर एटम है तो वो डायटोमिक आयन नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। हो गया, क्या है यहाँ पे? बी ए 2++ SO4 2-, यहाँ पे 2L3++ 3SO4 2-। दिस इज इम्पोर्टेंट इन वेंट ऑफ फैक्टर ऑल्सो, राइट? 3Ca2++ 2PO4 3-, देन 2Bi3+ प्लस एस 2-। ठीक है, सो राइट डाउन फॉर के, राइट डाउन द केएसपी। यहाँ पे एक चीज याद रखो, आप ये सॉल्ट पार्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? SO4 है, PO4 है, सॉल्ट पार्ट आइडेंटिफाई कर लोगे? ये जो मेटल पार्ट है उसको भी आइडेंटिफाई कर लोगे? इसका जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट कितना है? x=1। इस SO4 का कोएफिशिएंट कितना है? y=1। यहाँ पे ये कोएफिशिएंट क्या है? दिस इज एक्स इज इक्वल टू 2। SO4 कोएफिशिएंट क्या है? 3। दिस इज 3, दिस इज, यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू 2, दिस इज 3। ठीक है, सो जिसको ये समझ में आया कि फॉस्फेट है, ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, ठीक है, उसको बस एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करना है। नो नीड टू राइट डाउन द चार्जेस ऑन ऑल। हाँ, ऑब्वियस अगर केएसपी का इक्वेशन पूछते तो वहां पे लगेगा ही लगेगा, एंड दिस इज वेरी सिंपल थिंग, कोई गलत मतलब कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सो व्हाट इज योर केएसपी गाइस? क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 इज इक्वल टू, यहीं पे बता दो मुझे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 प्लस SO4 2-। यहाँ पे क्या आएगा? केएसपी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3 रेस टू इट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2- इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2 रेस टू इट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4 3- कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 2
यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आई 3 plus raised to 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 minus raised to 3। सो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका वैलेंसी, वो सच में आना ही चाहिए, यू कांट गो विदाउट दिस, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, आपको वेंट ऑफ फैक्टर भी निकालने आना चाहिए। व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर हियर, कितना होगा यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर, इसके कितने हैं 2 3, बी ए एसओ फोर भी है एज इट इज। तो आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे याद दिलाना वेंट ऑफ फैक्टर में, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली आयंस आप नहीं बोल सकते हो ना। आई स्टैंड फॉर वेंट ऑफ फैक्टर, स्टैंड फॉर दी आयंस ना, ठीक है। तो वो चीज मुझे बताना आपको। सो नाउ वी विल डू सम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दी सोल्युबिलिटी गिवन। आपको सोल्युबिलिटी दिया जाता है पर्टिकुलर आयन का, अभी यहाँ पे इसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वही उसका सोल्युबिलिटी होता है, समझ में आई बात। सो अभी पढ़ेंगे हम लोग मोलार सोल्युबिलिटी। सो राइट डाउन द सेकेंड पार्ट, मोलार सोल्युबिलिटी। राइट डाउन रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दो चीजें हैं आपको, एक आता है सोल्युबिलिटी, ओनली सोल्युबिलिटी इज बेस्ड ऑन विथ, आप बोल सकते हो कि दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। ओनली सोल्युबिलिटी अगर दिया है तो वो किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज रिजॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ऐसा दिया रहेगा तो वो सिर्फ सोल्युबिलिटी है। बट अगर मोल्स दिए हैं तो दैट इज योर मोलार सोल्युबिलिटी, ठीक है। सो राइट डाउन फॉर सोल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ, दिस इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैक्सिमम केसेस में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज टेकिंग एज 1 लीटर, मैक्सिमम केसेस में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज टेकन एज 1 लीटर, क्योंकि आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देखते हो ना सोल्युबिलिटी, मतलब किसमें देखोगे आप ये 1 लीटर में कितना डिजोल्व होगा, उसके हिसाब से उसका सोल्युबिलिटी रहेगा, ठीक है। सो राइट डाउन द सेकंड मोलार सोल्युबिलिटी, ये पहला है, इसको ग्राम सोल्युबिलिटी भी बोल सकते हो, देन मोलार सोल्युबिलिटी। मोलर सेलिबिलिटी विल बी इन मोल पर लीटर, इसका मतलब समझो कि नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन दैट सोल्यूशन टू मेक द 1 लीटर सोल्यूशन, सेम चीज है, ठीक है। अभी मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, इसका इसका यूनिट क्या है, बताओ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सोल्यूबिलिटी का यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर ना, ग्राम पर लीटर, समझ में आई बात। यहाँ पे मुझे बताओ मोलार सोल्युबिलिटी है, मतलब मोल्स डिसॉल्व इन दी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोलार सोल्युबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन व्हाट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये होता है आपका सोल्युबिलिटी। भी फॉर्मूला बेस सोचो, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी विच इज इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मोलार मास, इतने लोगों को समझा,
दिस इज व्हाट, ये क्या रहेगा आपका डब्ल्यू बाय वॉल्यूम ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगा ना। यहाँ पे क्या किया हमने, डिवाइड बाय मोलर मास किया है, ऊपर सॉल्युबिलिटी लिखा है। चलो लिखती हूँ मैं इसको, व्हाट इज योर सॉल्युबिलिटी, डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सही है, ग्राम पर लीटर, डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास। व्हाट इज गाइस डब्ल्यू बाय एम, ऐसे ही आएगा। ये क्या है, फोर्स। सो रिमेम्बर, जो सॉल्युबिलिटी दिया है उसको डिवाइड बाय आपको मोलर मास करना है। दे विल गिव यू दी सॉल्युबिलिटी ऑल्सो, दे विल गिव यू दी मोलर, बहुत रेयर केस में मोलर सॉल्युबिलिटी, बहुत रेयर केस में, पॉसिबल ही नहीं है। सो अगर आपको सॉल्युबिलिटी दिया है तो उसको क्या करना है, डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। समझ में आई बात, ठीक है, पक्का। एंड द सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय द व्हाट, एस। ओके, सो यू कैन से एस इज इक्वल टू व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो वी हैव द फॉर्मूला एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो हियर ऑल्सो यू कैन राइट डाउन मोल्स ऑफ, सो आई विल राइट डाउन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखा ही है मैंने ऑलरेडी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। Now we will do one derivation. So consider a general equation. Consider a general equation that is bx into ay gives you, क्या देगा ये आपको? Can you do the dissociation? एक्स इंटू बी, इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, वाई प्लस प्लस वाई इंटू ए, इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, एक्स माइनस। समझ में आई बात, नाउ राइट डाउन द के एस पी फॉर दिस, क्या आएगा इसका के एस पी, के एस पी इज इक्वल टू हाउ मच, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाई प्लस रेस टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स माइनस रेस टू। सो ये जनरल इक्वेशन का भी आपको आना चाहिए, हो सकता है ए बी की जगह पे कोई दूसरा यू नो अल्फाबेट दे, बट ये डिसोसिएशन आपको आना चाहिए। राइट डाउन, इफ S is the solubility of, if S is the solubility of product, sorry, compound, if S is the solubility of compound, if S is the solubility of compound, then concentration of, then concentration of b raised to y plus kitna aayega, ek mole matlab one mole ka solubility kitna hai s, aapke paas kitne moles hai b ke, kitne moles hai, x moles hai na, iska matlab samajhte ho na, इसका मतलब क्या है, कितने मोल्स है इसके, एक्स मोल्स है ना, ये कितने मोल्स है, वाई मोल्स। तो अगर आपका वन मोल का सॉल्युबिलिटी एस है तो एक्स मोल का कितना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है,
सोल्युबिलिटी ऑफ वन मोल ऑफ बी वाई प्लस इज इक्वल टू एस, फिर मुझे बताओ सोल्युबिलिटी ऑफ एक्स मोल कितना आएगा, कितना आएगा टोटल सोल्युबिलिटी, एक्स इंटू एक्स इंटू एस. वॉट विल बी द टोटल सोल्युबिलिटी ऑफ, सोल्युबिलिटी ऑफ ए एक्स माइनस, इसका कितना आएगा सोल्युबिलिटी, कितना आएगा वाई इंटू एस. नाउ पुट इन इक्वेशन, फाइंड द आंसर, के एस पी निकालो. व्हाट इज योर के एस पी, यही आपका के एस पी, क्या आएगा एज के एस पी इज इक्वल टू इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वाई प्लस कितना है एफ से, एक्स इंटू एस से, तो क्या आएगा एक्स इंटू एस रेस टू एक्स इंटू वाई का कितना है वाई इंटू एस रेस टू वाई. सॉल्व दिस, एक्स रेस टू एक्स इंटू एस रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू वाई, कितना आएगा ये के एस पी इज इक्वल टू, हाउ मच के एस पी इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू एक्स प्लस. सो पूरे इक्वेशन के डेरिवेशन से आप क्या समझे, आपको एक्स एंड वाई आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. आपको दिया क्या जाता है ये भी याद रखना, आपको इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन आपका पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ठीक है, ये पहला स्टेप है. सेकेंड स्टेप है केएसपी का सोल्युबिलिटी, एंड दैट इज मोलार सोल्युबिलिटी. जस्ट राइट डाउन सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी आपको किसमें होना चाहिए, मोल पर लीटर में, आपको ये यूनिट उसमें देखना है. इट इज ग्राम पर लीटर तो आपको डिवाइड बाय मोलार मास करना है, समझा, क्योंकि ऐसे सोल्युबिलिटी देते हैं जैसे मानव को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली ये कौन सा सोल्युबिलिटी है, वेदर इट इज मोलार सोल्युबिलिटी, ये जो एस है ये कौन सा सोल्युबिलिटी है, दिस इज योर मोलार सोल्युबिलिटी, ये आपका ग्राम वाला सोल्युबिलिटी नहीं है. हम लोग ने सब में केमिकल रिएक्शंस में क्या लिया है, मोल्स ही लिए है ना, तो यहाँ पे भी आपको मोलार सोल्युबिलिटी लेना पड़ेगा. जिसको कुछ क्लियर ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या लू, तो क्या लेना आपको, मोल पर लीटर देखना है. मोल पर लीटर मतलब जो आपको वैल्यू चाहिए वही दी है. इफ इट इज ग्राम पर लीटर तो तुम लोग को पता है ना मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, सो डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट, फिर आपका मोलर सोल्युबिलिटी आ जाएगा. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, ठीक है, चलो एग्जाम्पल लो. If we have this BaSO4, इसका KSP निकालो, क्या आएगा KSP? X raise to X, Y raise to Y into S raise to X plus Y, कितना आएगा? What is the value of X? Identify X. X is equal to 1. Y is equal to 1. What is your KSP? 1 raised to 1 into 1 raised to 1, s raised to 1 plus 1. So, क्या आएगा? s square. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? Just do it for Ca3PO4. Ca3PO4 whole twice. Tell me the value of x and y. Step सबको समझ में आया ना? एक ही step है. Identify x and y and check for the solubility. X is equal to 3. This is your x. This is your y. कोई गलती से इसको 4 into 2 या फिर 4 को y, ऐसा होता है बच्चे करते, वो करना ही नहीं है. So tell me the value. बस बाकी है अपना कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट.
वो इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट। कितना है ये? 3 raised to 3, देन 2 raised to 2, एस सॉरी 2 raised to 2, एस रेस टू 3 plus 2, कितना आएगा ये? 3 raised to 3 is 81, कितना आता है? नो, हाँ 27 27, एंड दिस इज एस, कितना है ये? 108, एस रेस टू 5। ठीक है, कर लो कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ये तो। डू इट फॉर एल ओ एच वेल प्राइस, लास्ट क्वेश्चन एल ओ एच वेल प्राइस के लिए करो। बोलो, डिसोसिएशन एल प्लस 3 plus 3 OH minus। पर थोड़ा जल्दी बताओ ना, कितना है? 1 raised to 1, देन 3 raised to 3, एस रेस टू 4, कितना आया है ये? क्वेश्चन चेक कर लेना, एल ओ एच का है क्वेश्चन, नीट में पीवाईक्यू में।